patron of music, and तो उन्हें सवाल पूछा गया कि कश्मीर की समस्या को आप संविधान के दायरे में कैसे बदल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो तुरंत उनका जवाब था कि हम कश्मीर की समस्या को इंसानियत के दायरे में हल करेंगे। तो इस एक शब्द प्रयोग से उन्होंने कश्मीर के लोगों का मन जीत लिया। तो अभी भी दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इसी बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि कश्मीर की समस्या को हम वाजपेयी द्वारा दिखाए गए रास्ते से ही हल करेंगे। यानी अटल जी ने एक टेम्पलेट बनाया, एक फ्रेमवर्क बनाया, बड़ी से बड़ी समस्या जो भी हो उसे हल करने का एक ही रास्ता है, वह लोकतंत्र का रास्ता, वह इंसानियत का रास्ता। मैं और एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ पाकिस्तान गया था 1999 में। उसी बस में बैठकर जिस बस में अमृतसर से लाहौर हुए गए थे, एक अमन के दूत के रूप में, शांति का पैगाम लेकर, तो लाहौर के गवर्नर हाउस में उनका भाषण था। उस भाषण में, उस भाषण से तो उन्होंने पाकिस्तानियों की भी दिल जीत ली। भाषण के अंत में उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई, बहुत मशहूर कविता है। उसकी चार लाइन मैं बताना चाहता हूँ। जंग न होने देंगे, भारत पाकिस्तान पड़ोसी, साथ साथ रहना है, प्यार करे या वार करे दोनों को ही सहना है, जो हम पर गुजरी बच्चों पर न होने देंगे, जंग न होने देंगे। जब इन्होंने ये कविता सुनाई तब मैंने देखा कि मेरे साथ बैठे हुए पाकिस्तानियों के आंखों में आंसू आ रहे थे। तो दुश्मन के दिल को भी जीतने की एक जो ताकत थी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व में, कृतित्व में थी। और इसलिए मैं समझता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को सबसे सही श्रद्धांजलि वही होगी जब हम भारत को जोड़ेंगे और मजबूत करेंगे अंदर से। तोड़ने की राजनीति नहीं, जोड़ने की राजनीति। वे हमेशा कहा करते थे कदम कदम पर चलना होगा। तो जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, भारत एक विशाल विविधतापूर्ण देश, इस देश को मजबूत करना है, इस देश को अपनी गौरव के उच्चांक पर ले जाना है, और साथ ही साथ कश्मीर में शांति प्रस्थापित करनी है, और पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ हमारी जो पुरानी समस्याएं हैं इन्हें शांततापूर्ण ढंग से हल करना है। यदि हम ये कर पाएंगे, मैं समझता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी के जी के लिए सही श्रद्धांजलि होगी। एक तरफ से तो हुआ ही, हम उनको ध्यान से सुनते थे, वो हमें ध्यान से सुनते थे, और बहुत बड़े वाद विवाद हुए हमारे बीच में। लेकिन जहाँ तक सिद्धांत और राजनीति, वो एक जगह पे, और अटल जी की खासियत यही है, और दूसरी जगह पे इंसानियत। इंसानियत को कभी वो बिगड़ने नहीं देते थे राजनीतिक और सिद्धांतिक मतभेदों की वजह से, और वही उसूल हम समझते हैं आज के दिन भी बड़ी ज़रूरी है देश में।